यूपी लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने 8 बार से सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काट कर छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है, जिसको लेकर इन दिनों बरेली की राजनीति में बड़ी उठापटक चल रही है। इसी को लेकर अब बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार का दर्द छलक उठा है। सूत्रों से खबर है कि जब से संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है, तब से बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। आलम यह है कि छत्रपाल गंगवार को न तो संगठन चुनाव लड़वा रहा है और न ही पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री। इसलिए एक मीटिंग में छत्रपाल गंगवार ने अपना टिकट सरेंडर करने की बात कह दी है और इसी को लेकर बीजेपी नेत्री डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज का भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे बुरी बात क्या होगी कि भाजपा बरेली प्रत्याशी छत्रपाल जी अकेले अपना प्रचार कर रहे हैं, सारे विधायक, संगठन पदाधिकारी नदारद हैं। कल हताश प्रत्याशी ने टिकट सरेंडर करने की बात तक भरी मीटिंग में कर दी। माना जा रहा है कि बरेली की राजनीति में अगले 72 घंटे बहुत खास है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्रपाल गंगवार का टिकट कट सकता है, वहीं मेयर उमेश गौतम को टिकट दिया जा सकता है। बता दें कि उमेश गौतम लोकसभा चुनाव में शुरू से लगे हुए हैं, उन्होंने टिकट के लिए आवेदन भी किया है। दरअसल बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधते हुए उन्हें टिकट दिया, लेकिन जिस दिन उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तभी से उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया था। ऐसे में आगे बीजेपी क्या खास रणनीति अपनाती है, उस पर सबकी निगाहें टिकी है।